in this module we are trying to understand what is the difference between the accounting measure of income and the economic measure of income because there are some technical differences uh, when we define income in according to the accounting terms or terminology or rules we define income in a different way as compared to the way we define income according to the principles of economics so, it is important that when we are analyzing things, then it is important to consider income from both perspectives from the accounting perspective as well as from the economics perspective, because that is going to help you or equip you in order to analyze in a better way. So, when we define um, what is meant by income, ya profits, ya earnings, so I would like to quote here. द डेफिनीशन विच वॉज प्रजेंटेड बाई जॉन आरहेक्स अ वेरी फेमस इकोनॉमिस्ट अकॉर्डिंग टू हेम इनकम वो अमाउंट ऑफ मनी है जो आप एक साल के अंदर खर्च करेंगे लेकिन इनकम सिर्फ वो अमाउंट कहलाएगी जिस जिसको ख़र्च करने से आपकी बिगनिंग ऑफ द पीरियड पर साल के शुरू में जो आपका वेल्थ है वो उतने का उतना रहा फॉर एक्ज़ाम्पल इफ़ यू बिगेन विद इन जनवरी टू थाउजेंड से टेन और टू थाउजेंड नाइनटीन और टू थाउजेंड ट्वेंटी के जनवरी में आपका वेल्थ का वैल्यू है टोटल बीस लाख और आपने 2020 के पूरे साल में छः लाख रुपए खर्च किए और बाय द एंड ऑफ 2020 यू हैव द सेम अमाउंट ऑफ वेल्थ इक्वल टू बीस लाख बट यू हैव स्पेंट सिक्स हंड्रेड थाउजेंड रुपीज़ या छः लाख रुपये आपने उस उस साल में खर्च किए हैं तो अकॉर्डिंग टू जॉन आरहेक्स छः लाख रुपया विल भी योर इनकम सो so, आपकी जो वेल्थ है वो अनऑल्टर्ड रहे उसके अलावा किसी एक साल में या कोई भी जो टाइम पीरियड रेफरेंस टाइम पीरियड है उसमें जो आप पैसे खर्च करेंगे दैट इज़ डिफाइंड एज योर इनकम लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स के परस्पेक्टिव से इनकम को ऐसे डिफाइन करते हैं तो हम अकाउंटिंग को देखते हैं तो वहाँ आपके जो द वे यू ट्रीट इनकम और यू द वे यू ट्रीट अर्निंग्स या द वे यू ट्रीट प्रॉफिट्स इज़ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द वे वी ट्रीट इनकम अर्निंग्स और प्रॉफिट्स दे कैन बी यूज इंटरचेंजबली इन इकोनॉमिक्स सो वहाँ मसला क्या है या डिफरेंस क्या है अकाउंटिंग में कि आपके जितने भी अन रियलाइज गेंस हैं या लॉसेज हैं हम उनको अकाउंट फॉर नहीं करते इन अकाउंटिंग और ऐसा क्यों है बेसिकली वी हैव गॉट सर्टन प्रिंसिपल्स जिसकी बेसिस के ऊपर आप अकाउंटिंग की बुक कीपिंग करते हैं अकाउंटिंग के uh, हिसाब किताब करते हैं एंड दोज प्रिंसिपल्स आर नोन जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जिसको हम एब्रीविएट करते हैं एज जी ए ए पी सो वेन वी आर मेनटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट वी आर कंसल्टिंग और फॉलोइंग द प्रिंसिपल दैट आर इन जी ए पी सो उसके अकॉर्डिंगली आपको अलाउंस नहीं है परमिशन नहीं है कि आप रियलाइज गेंस वो जो गेंस एक्सपेक्टेड हैं आपको मिलने हैं आपने कमाए हैं पैसे मगर वो आपको मिले नहीं या वो लॉसेस जो आपको हो गए हैं मगर आपने अभी उनके बारे में पेमेंट नहीं करा तो इन गेंस और लॉसेस को हम अन गेंस एंड गेंस और लॉसेस बोलते हैं वो आपने अकाउंट फॉर नहीं करने जब आप अकाउंटिंग प्रॉफिट को या अकाउंटिंग अर्निंग्स को कंसिडर करने वाले हैं One more thing is there, as we all know that when we calculate the profit, whether it is accounting profit or the economic profit, we have to consider various types of costs. So profit is basically the difference between total revenue and total cost. So we need to take into consideration what are the various types of costs, which accounting profit may consider. किए जाते हैं. So when you calculate accounting profit, you have to account for explicit costs. Explicit costs means वो पेमेंट्स जो आपने एक्चुअली किए हैं और उन पेमेंट्स में जो रियलाइज कॉस्ट आपने रियलाइज एक्सपेंसेस आपने इंकर किए हैं उनमें सबसे अहम जो हमारे पास कॉस्ट है जो हम अकाउंटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे दैट वुड बी द लेबर कॉस्ट जैसे आपने मज़दूरों को उनके वेजेस दिए हैं उसके बाद फिर सेकेंड टाइम सेकेंड टाइप ऑफ कॉस्ट विच इज़ कंसिडर्ड इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द अकाउंटिंग प्रॉफिट इज द इन्वेंट्री दैट इज नीडेड फॉर प्रोडक्शन सो इन्वेंट्री जो प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होनी है उसके ऊपर जो भी आपने एक्सपेंसिज बियर किए हैं दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर कॉस्ट थर्ड इज अदर देन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉ मटीरियल दैट आर असेंशियल और नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन आपने जो रॉ मटीरियल्स ख़रीदे हैं उनके ऊपर आपको एक्सपेंसिज बियर करने पड़े हैं वो भी आपकी कॉस्ट में कंसिडर होगा अकाउंटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए फिर आप इसमें डालेंगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को सेल्स और मार्केटिंग कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट और सारे ओवरहेड एक्सपेंसेस को सो so, जो इम्पॉर्टेंट बात याद रखने की है वो ये है कि जब हम अकाउंटिंग कॉस्ट को या अकाउंटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं तो इसमें हमने सिर्फ वो एक्सपेंसिस को कंसिडर करना है या वो रेवेन्यूज को कंसिडर करना है जो आपको एक्चुअली रिसीव हुए हैं यानी कि एक्सप्लिसिट रेवेन्यूज़ एक्सप्लिसिट कॉस्ट सो यू आर गोइंग टू कंसिडर ओनली दैट पार्ट सो वेन यू आर गोइंग टू कैलकुलेट अकाउंटिंग प्रॉफिट दैन यू आर जैसे मैंने अभी आपको बोला कि हम उसमें मेनली प्राइमरली ओनली एक्सप्लिस कास्ट को कंसिडर करें दैट 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 इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेटिंग अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड इकनॉमिक प्रॉफिट सो इकनॉमिक प्रॉफिट में क्या और चीज हम कंसिडर करेंगे वो अभी हम इन फ्यू मिनट्स इसको डिस्कस करते हैं सो एक्सप्लिस कास्ट आर मेनली दो स्पेसिफिक अबाउंट्स जो कि कोई भी कंपनी किसी और कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को या सप्लायर को एक्चुअली पे कर रही है या लेबर को आपने जो तनख्वाहें दी हैं आप एक्चुअली जब पे करते हैं तो दैट विल बी कंसिडर्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ योर अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड व्हेन वी कैलकुलेट द अकाउंटिंग प्रॉफिट बेसिकली अकाउंटिंग प्रॉफिट या इसको हम नेट इनकम भी बोलेंगे इट इज़ रिपोर्टेड ओवरसम टाइम पीरियड्स और जनरली या तो आप क्वार्टरली बेसिस के ऊपर आप अपना नेट इनकम या अकाउंटिंग प्रॉफिट को रिपोर्ट uh, करते हैं या आप उसको एनुअल बेसिस के ऊपर रिपोर्ट करें हैं और जब हम नेट इनकम को या अकाउंटिंग प्रॉफिट को रिपोर्ट करते हैं तो ये बेसिकली किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इंडिकेट कर रही होती है नाउ कमिंग टूवर्ड्स इकोनॉमिक प्रॉफिट सो इकोनॉमिक प्रॉफिट में जैसे मैंने अभी आपको बोला कि इकोनॉमिक प्रॉफिट का ट्रीटमेंट और अकाउंटिंग प्रॉफिट का ट्रीटमेंट में टेक्निकल डिफरेंस है और वो टेक्निकल डिफरेंस एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को लेके है तो व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द अकाउंटिंग प्रॉफिट विच इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रेवेन्यू विच यू हैव अर्न एंड एंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रेवेन्यू एंड द एक्सप्लिसिट कॉस्ट इफ़ यू आर कोइंग टू कंसिडर एक्सप्लेड कॉस्ट एज वेल एज द इम्प्लिसड कॉस्ट ये दोनों तरह के कॉस्ट आप अकाउंट फॉर करेंगे तो फिर जो आप प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे इट वुड बी कंसिडर्ड एज द इकोनॉमिक प्रॉफिट तो दैट्स अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्सेप्ट एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक इन टू अकाउंट द नेट इनकम और द अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड एट द सेम टाइम वी ऑल्सो कैलकुलेट द इकोनॉमिक प्रॉफिट हो सकता है कि किसी कंपनी में आपको अकाउंटिंग प्रॉफिट नज़र आ रहा है कि इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग प्रॉफिट कोई कंपनी प्रॉफिटेबल है लेकिन जब आप इम्प्लिसड कॉस्ट को या इकोनॉमिक प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं तो देर आर चांसेस कि आपको प्रॉफिट की बजाय लॉस दिखाई दे सो इसी so, इसलिए ये अहम है कि आप अकाउंटिंग प्रॉफिट के साथ साथ इकोनॉमिक प्रॉफिट को भी कंसिडर करें सो वेन वी कैलकुलेट इकोनॉमिक प्रॉफिट बेसिकली वी हैव टू कंसिडर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंसिडर करने के लिए हमें इम्प्लीसिड uh, कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसिडर करना पड़ती है क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बेसिस के ऊपर आप इम्प्लीसिड कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि ये इम्प्लीसिड कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उस चीज़ का वैल्यू है जो कि आपने फॉरगो किया है किसी एक काम को करने के लिए फॉर एग्जाम्पल आपने अपना एक कारखाना सेटअप किया या आपने एक कंपनी बनाई है और उसके लिए आपने अपने घर का एक कमरा स्पेयर किया है जहाँ आपने अपना ऑफिस सेटअप किया है तो अभी और साथ ही में आपने एक मैनेजर भर्ती किया या आपने कोई भी एक इंडिविजुअल को हायर किया है जब आप बाय द एंड ऑफ अ ईयर या बाय द एंड ऑफ एवरी मंथ जब एक महीना गुजर जाएगा तो आप उस अपने मुलाजिम को तनख्वाह दे रहे हैं और सपोज़ वो तनख्वाह है तीस हज़ार रुपया पर मंथ तो और लेकिन जो कमरा है वो आपके घर का एक एक्स्ट्रा कमरा था जिसको आपने कन्वर्ट uh, किया है इनटू योर ऑफिस और आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो जब हम अकाउंटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो आपकी कॉस्ट जो कंसिडर होगी दैट वुड बी दैट थर्टी थाउजेंड पर मंथ जो आपने अपने इम्प्लॉयी को हायर किया उसको आपने हर महीने तनख्वाह के सूरत में उसको थर्ट थाउजेंड रुपीज़ पे किए थे तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज़ योर एक्सप्लिसिट कॉस्ट और अकाउंटिंग प्रॉफिट जो भी आपने रेवेन्यू कमाया है उस रेवेन्यू में से ये थर्टी थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई ट्वेल्व की टोटल कॉस्ट माइनस हो जाएगी ये आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट ये है लेकिन जब आप इकोनॉमिक प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे तो उसमें आपको ना सिर्फ उस एम्प्लॉय के थर्टी थाउजेंड अ मंथ की कॉस्ट को कंसिडर करना पड़ेगा बल्कि वो जिस कमरे में आपने अपना दफ्तर सेटअप किया था उस कमरे का आप मार्केट रेट के ऊपर रेंट को कंसिडर करेंगे कि अगर मैं इसको इस कमरे को अपने दफ्तर के तौर पे इस्तेमाल ना करूं और इसको किराए के ऊपर चढ़ा दूं तो वहाँ का जो एरिया है आपका उसके एक कमरे का किराया तकरीबन कितना होगा उसको आप अकाउंट फॉर करके आप उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालेंगे कि मुझे कितना नुकसान हुआ है इस कमरे को किराए पर ना चढ़ा के सो दैट अमाउंट विच यू हैव फॉर इंस्टेड ऑफ़ गिविंग योर रूम ऑन रेंट एंड टेकिंग इट और कंसिडरिंग इट एज़ योर ऑफिस तो दैट विल बी दैट हैज़ टू बी अकाउंटेड फॉर क्योंकि आप उस कमरे को दफ्तर बनाने की बजाय अगर रेंट पे दे देते तो आप वो किराया सपोज़ वो पचास हजार रुपया किराया था अ मंथ वो अर्न कर सकते थे तो आपने अपने कमरे को दफ्तर में कन्वर्ट करने से वो पचास हजार रुपया पर मंथ फॉरगो किया है तो दिस इज़ हाउ वी यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड वी कंसिडर ऑपरचुनिटी कास्ट कॉस्ट आपको बताती है कि आपने इम्प्लिसिटली क्या कॉस्ट बियर किया है वो आपकी जेब में से खर्च तो नहीं हुए पचास हज़ार रुपये लेकिन आपने उसका आपको नुकसान हुआ है उसका तो जब हम इकोनॉमिक प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे तो उसमें आप टोटल रेवेन्यू कंसीडर करेंगे और फिर आपने जब कॉस्ट को कंसीडर करना है आर में से सी को निकालने के लिए नेट डिफरेंस निकालने के लिए अपना प्रॉफिट कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली तो फिर आप कॉस्ट में एक्सप्लिसिट कॉस्ट तो शामिल करेंगे ही मगर इम्प्लिसड कॉस्ट को भी साथ में शामिल करना पड़ेगा और फिर आपका जो टोटल कॉस्ट डिफाइन होंगे विच इज़ अ सम ऑफ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिस कॉस्ट और इसको इम्प्लीसिड कॉस्ट को कंसिडर करके जब आप रेवेन्यू में से कॉस्ट uh, माइनस करके टोटल प्रॉफिट निकालेंगे तो दैट विल गिव यू अ मोर रियलिस्टिक पिक्चर सो दे फॉर ऑर्डर टू मेक अ बेटर एनालिसिस ऑफ हाउ योर बिजनेस इज डूइंग हाउ इट इज़ परफॉर्मिंग फाइनेंशियली इट इज़ इसशियल नॉट टू ओनली कंसिडर द इकोनॉमिक प्रॉफिट Whereas it is important to equally important to consider and calculate the economic profit's value also. So that is this is why it is important. And one more thing is there that when we follow, when we construct or when we calculate the accounting profit, for that we use the accounting principles. But economic profit ko calculate karne ke liye, economics ke प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं और इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स कह रहे हैं कि आपने जो अमाउंट फॉरगो की है किसी भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए उसको उसकी वैल्यू जो लूज़ किया आपने उसको आपने ज़रूर कंसिडर करना है वेन यू विल बी कैलकुलेटिंग द टोटल प्रॉफिट विच योर एंटिटी योर फर्म योर कंपनी हैज़ अर्नड ओवर अ सर्टन टाइम पीरियड और अगैन इट इज़ इम्पॉटेंट टू नोट डाउन दैट वेन एवर वी विल भी कैलकुलेटिंग अकाउंटिंग प्रॉफिट और इकनॉमिक प्रोफिट यू हैव टू कंसिडर द टाइम पीरियड तो जनरली इट इज़ कंसिडर टू बी योर लेकिन आप क्वार्टरली या मंथली बेसिस पे या बाई एनअल साल में दो दफ़ा छः छः महीने करके आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं नाउ वेन वी टेक इन टू अकाउंट द इम्प्लीसड कॉस्ट सो इकोनॉमिक प्रॉफिट में जो हम इम्प्लीसिड कॉस्ट कंसिडर करते हैं जैसे मैंने अभी आपको किराए की एग्जाम्पल दी कि आपने अपना घर का कमरा इस्तेमाल किया अपने ऑफिस के लिए इसी तरह से आप के अगर किसी कंपनी ने खुद वो बिल्डिंग खरीदी है जिसमें उन्होंने अपना कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाया है या उसमें उनके दफ्तर हैं और वो रेंट पे नहीं है और वो खुद के हैं ओन्ड बाय द कंपनी इट तो फिर भी आपको अगैन यू विल हैव टू कंसिडर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इम्प्लेसिड कॉस्ट आप कैलकुलेट करेंगे क्योंकि अगर यही बिल्डिंग जिसमें आपका आपका दफ्तर है आपने वो किराए पर ली होती तो फिर आपने कॉस्ट पियर करनी थी और या आपने जो आपकी बिल्डिंग है आपका एसेट है आप उसको रेंट पे दे देते तो आपने वो रेंट कमाना था जो अभी आप फॉरगो कर रहे हो सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कंसिडर दिज टाइप्स ऑफ इम्प्लीसिड कॉस्ट एंड अदर एग्जाम्पल इज दैट प्लांट एंड इक्विपमेंट आपने बाय कर ली कोई सो so, आपको रेंट पे नहीं लेनी पड़ी तो अगैन अगर आप उसको रेंट पे देते या रेंट पे ले रहे हैं तो आप यू वुड हैव अर्न सम मनी और उसको हम कंसिडर करेंगे या ट्रीट करेंगे एज द इम्प्लीसिड कॉस्ट नेक्स्ट अगर आप खुद के ख़ुद के लिए काम करें अपनी अपनी कंपनी में खुद काम कर रहे हैं तो अगर आप अपनी कंपनी में खुद काम नहीं कर रहे होते आप अपने ही लेवल uh, ऑफ़ अपने ही क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के वाले बंदे को हायर करते हैं तो आपको उसके ऊपर कितना खर्च करना चाहिए पड़ा पड़ता या आप अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने की बजाय किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते तो आपने कितना पैसा फॉरगो किया है अपना बिजनेस को चलाने के लिए तो दैट इज़ अगैन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट Will be applied and implicit cost, आपने एक और बीयर की है तो ये तमाम तरह की डिफरेंट फॉर्म ऑफ इम्प्लेसिड कॉस्ट दैट आर टू बीसिडर्ड इन टू कैलकुलेट द इकोनॉमिक प्रॉफिट